गिफ्ट वाउचर कंपनी की तरफ से होगा और लकी ड्रॉ भी होगा। लकी ड्रॉ में अप टू 1 लाख आप जीत सकते हो। Burn that shit like a major laser, earn that shit like major paper. I melt that beat like a f***ing getter, but you know I do it f***ing better. And you know I make her f***ing wetter than Jaws in the water during stormy weather. Than Calvin Harris, the opposing gender. Poor Gore's got to talk, so you better get her. She on that pole like Diplo, I got a sick host. वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, टीम मेला समिति, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आ चुका हूँ यामाहा के शोरूम पर, रविंदर यामाहा। बहुत दिन पहले यानी कि साल भर क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। लास्ट टाइम जब आया था पता नहीं कौन से बाइक का रिव्यू किए थे, अगर आपको पता है याद है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। आज आए हैं खास एक बाइक के लिए, तो बने रहिए वीडियो में जानने के लिए। मेरे पास में अभी ये वाला मॉडल देखिए, यामा का FZ25 मोटो जीपी वाला एडिशन। वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इसका फ्रंट लुक जो है, मेरे ख्याल से मैंने एक वीडियो डाला था बहुत दिन पहले, उसमें भी सेम लुक आ रहा था। लेकिन इसके पहले वाला जो मॉडल था, पर्सनली अगर मुझे पूछो तो मेरा पहला वाला मॉडल जो है उसमें हेडलाइट ज़्यादा अच्छा लगता है कम्पेयर टू दिस वन। बट यहाँ पे कलर स्कीम और स्टिकरिंग की बात करें तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, धासु लग रहा है। दिस वन इज मोटो जीपी एडिशन ऑफ FZ25। सो आपको क्या लगता है गाइस रिगार्डिंग दिस यू नो हेडलाइट, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा ज़्यादा पसंद है, पहला वाला मॉडल का ज़्यादा पसंद था या फिर ये वाला मॉडल का। ये वाला बाइक जो आपने देखा, इसका ऑलरेडी हो चुका है सेल, इधर में कस्टमर है। नाम बता दीजिए एक बार आपका। अफजल हुसैन। तो कहाँ पे रहने वाले हो आप? हम नलबारी। नलबारी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। दीजिए उल्टा पुल्टा जैसे भी होना चाहिए हैंडशेक। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बोल रहे थे आपको वीडियो में ले लो तो ले लिया भाई। अभी जो स्कूटर है फसिनो हो या फिर यामा रेजी हो, इंडिया का सबसे हाईएस्ट माइलेज वाला स्कूटर जो है अभी यामा प्रोड्यूस कर रही है कंपेयर टू ऑल अदर ब्रांड्स। भाई जान सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम पंकज देवनाथ है। कितना है? 3,876 रुपीज़। अच्छा अच्छा, तो ये ऑफ है, इनकेस आप इंटरेस्टेड हो अभी तुरंत लोगे तो स्कूटर यहाँ से आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपका कूपन भी है, समझ लो आपको एक लकी ड्रॉ होगा 1 लाख का, ठीक है, और एक आपका होगा एक गिफ्ट वाउचर होगा। और लकी ड्रॉ भी होगा। लकी ड्रॉ में अप टू 1 लाख आप जीत सकते हो, मतलब डिपेंड करता है अपने अपने लक पर। तो इनके साथ इंटरेस्टेड हो तुरंत आप ले सकते हो स्कूटर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस वगैरह सब कुछ है रविंदर यामाहा का। सो गाइज, बिफोर राइडिंग द बाइक थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ मैं। दिस इज 149 cc, 5-speed gearbox, एयर कूल इंजन। हालांकि चलाने के बाद पता चलेगा 5-speed कितना स्मूथ है, वो तो हम मोटो ब्लॉग में बता देंगे, आपको टेंशन नहीं है। बाकी पावर की बात करें तो 12.4 PS ऑफ पावर है और 13.5 Nm ऑफ टॉर्क है। बाकी यहाँ पे अगर टायर देखेंगे आप तो ऐसा लगता है टायर काफ़ी छोटा है, बट दिखावे पे मत जाइए, दिस वन इज 140 सेक्शन टायर। बाकी सामने में 180/17 यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब तक जो सीट को टच करके फील हुआ है, काफ़ी हार्ड सीट है कंपेयर टू इट्स राइवल्स। बाकी ये चला चला कर मेरे ख्याल से कुछ दिनों में आपको एडजस्ट हो जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। बट इनकेस आपको अगर ज़्यादा फोम वाला सीट पसंद है तो आप मॉडिफाई भी करवा सकते हो इसे। और कलर्स की बात करें तो 3 कलर वेरियंट में ये अवेलेबल है, एक है ऑरेंज, ब्लैक और तीसरा वाला है ब्लू, जो कि हाल ही अभी फिलहाल मतलब अवेलेबल नहीं है शोरूम में। इनकेस आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी जो अवेलेबल है वो है ऑरेंज वाला और ब्लैक वाला। ऑरेंज वाला तो आपने देख लिया, साथ ही साथ ब्लैक वाला भी आ रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको। तो दिस वन इज द ब्लैक कलर वेरिएंट। सो गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको कौन सा वाला ज्यादा पसंद आ रहा है, ब्लैक वाला या फिर ऑरेंज वाला, या फिर जो अभी अवेलेबल नहीं है गुवाहाटी में ये वाले शोरूम में, यानी कि ब्लू वाला, वो ज्यादा पसंद है आपको। लेकिन जो ब्लू कलर है उसमें इस तरह का स्टिकर नहीं है, यानी कि 3D वाला नहीं है, उसमें नॉर्मल वाला स्टिकर है जो कि रहता है यहाँ पे MT में। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, ये रहा, तो सारा कुछ डिजिटल है यहाँ पर। लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो आप RPM, ये भी डिजिटल वाइज आ रहा है। यहाँ पे ट्रिप मीटर है, ऊपर में स्पीडोमीटर है और राइट हैंड साइड में फ्यूल गॉज है। बाकी इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ट्रिप के बाद यहाँ पे है आई गेस ऑडोमीटर, हाँ ऑडोमीटर, ये रहा ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F यानी कि फ्यूल रिजर्व। बाकी अगर हेडलाइट की बात करें तो ये देखिए, अभी दिन के टाइम में तो पता नहीं चलेगा लेकिन फिर भी एक झलक देख लीजिए। हाँ मारो मारो, हाँ क्या वाकई में ये बाइक एडवेंचर ओरिएंटेड है 149 cc के हिसाब से। चलिए फिर इसको चलाकर देखते हैं और बताते हैं अपनी तरफ से। सो फाइनली गाइस, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, अभी चलाने वाले हैं हम ये यामाहा FZX। सो सबसे पहला अनुभव, द एक्सपीरियंस जो इसमें बैठ के हो रहा है वो ये हो रहा है कि टंगरी दोनों तरफ जो है आराम से पहुँच रहा है। हमारा हाइट है 5.7, बाकी अगर इससे थोड़ा कम हाइट हो तो भी चलेगा, लेकिन 5.7
इज द परफेक्ट हाइट, आप 5.5 हो तब भी आप चला सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं इसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निकलने से पहले इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार सुन लेते हैं। काफ़ी धासु वाला साउंड है कंपनी के स्टॉक वाले में ही। राइड करने से पहले बता दे रहे हैं, ये है डेमो बाइक जो राइडिंग पर्पज़ के लिए है। एडवेंचर बाइक है तो एडवेंचर तरह से हाईवे पे चढ़ाया जाएगा इसको। चलो, ओह बढ़िया। बाकी अभी भी मीटर में लिखा आ रहा है हम चला रहे हैं 45 के स्पीड पर, मीटर पर आ रहा है इको मोड, तो देखते हैं कब तक इको रहता है। 60 में भी इको है, आई गेस 70 तक इको रहने वाला है। बाप रे, 70 के ऊपर भी इको दिखा रहा है। अभी इकोनॉमी गायब हो चुका है, जो हम पेल रहे हैं इसको, इकोनॉमी गायब। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चला रहे हैं हम, अरे भाई जाओ भाई, जाओ भाई आप, एम्बुलेंस को हमेशा साइड देना चाहिए, चाहे हाईवे हो या फिर सिटी रोड। सबसे पहला फीलिंग जो ये चला कर आ रहा है, काफ़ी स्मूथ, जो यामा का बाइक से आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, जापानीज बाइक से एक्जैक्टली लाजवाब वाला स्मूथनेस आपको यामा के बाइक्स में हमेशा मिलता है। एक चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है फिलहाल, थोड़ा बहुत भगाने से या फिर गड्ढों वगैरह में जाने से ये मीटर जो है ये थोड़ा बहुत हिल रहा है, आप देख सकते हो ना, थोड़ा बहुत हिल रहा है ये। पता नहीं कुछ नट वगैरह लूज़ होगा मेरे ख्याल से, शायद ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपेयर टू ईच एंड एवरीथिंग जो है बाइक में, फिट एंड फिनिश इज़ परफेक्ट। बाकी जो लुकिंग ग्लास है यानी कि RVM है, ये तो ऐसा लग रहा है कि 300 किलोमीटर का रेंज वाला आईना है ये। मतलब यहाँ से देखोगे तो 300 किलोमीटर तक आराम से सब कुछ दिखाई देने वाला है आपको। कैसा है, मज़ा आ रहा है वीडियो? तो लाइक दबाओ यार, नीचे लाइक है, सब्सक्राइब करो यार। बाकी इसका जो एडवेंचर सेगमेंट की बात है, वो बातचीत और वार्तालाप हम करते हैं, पहले बाइक को रख लेते हैं यहाँ पर। सो जैसा कि गाइस आपको पता है, चलाने का कार्यक्रम हो चुका है खत्म। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से टू यू गाइस के एडवेंचर सेगमेंट में बाइक तो रख दिया है नाम, बट फुल ऑन तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है। इनकेस आपका बजट थोड़ा लो हो, आपको प्रीमियम माइलेज चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी चाहिए उसी प्राइस रेंज में, प्लस रिलायबिलिटी चाहिए यामाहा का, तब आप ये बाइक ले सकते हो। डे टू डे लाइफ में टूरिंग वगैरह कर, मतलब टूरिंग सेगमेंट में नहीं, डे टू डे लाइफ में आप चला सकते हो बाइक, कभी कभार टूरिंग भी कर सकते हो, बट टूरिंग के मामले में अगर बात करें स्पेशली, तो उस हद तक पावर नहीं है इस बाइक में, लेकिन पावर का कोई मसला है ही नहीं, मसला है राइडर का, क्योंकि राइडर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो कोई भी बाइक लेकर कहीं पे भी जा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है, R15 V3 लेके भी लोग लद्दाख जा रहे हैं, लूना लेके भी लद्दाख जा रहे हैं, स्कूटर लेके भी लद्दाख जा रहे हैं, तो पावर का कोई इशू नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल बाइक में तभी फील होता है जब पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन से गाड़ी ट्रक वगैरह को आप ओवरटेक कर सकते हो ड्यूरिंग टूरिंग जब करते हो आप। अपार्ट फ्रॉम डैट, ऑफ रोड के लिए नॉट डैट मच कंपेटेबल, बिकॉज इसमें एलॉय व्हील्स है। ऑफ रोड के लिए बेस्ट थिंग इज स्पोक एलॉयस, एंड माई फाइनल वर्डिक्ट इज लाइक डैट कि अगर आपको सस्ता रेट में, मतलब कम बजट में आपको थोड़ा बहुत एडवेंचर काइंड ऑफ बाइक चाहिए 150cc रेंज में, देन दिस इज़ द ओनली ऑप्शन आई गेस, क्योंकि यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश का क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। मीटर है उसका स्क्रू थोड़ा लूज है, उसके वजह से वो सेम, मतलब हिलने वाला प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी जो ब्लैक वाला FZ था उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो ये कन्फर्म हो चुका है उसमें लूज है, थोड़ा बहुत टाइट करने से सही हो जाएगा। बाकी टूरिंग का बात मैं जो कर रहा था, 150 सेगमेंट में थोड़ा बहुत कम पावर है, लेकिन आज से 6-7 साल पहले यानी कि ड्यूरिंग 2010 तब क्या हुआ था कि यामा फेजर था टॉप मॉडल बाइक, यामा R15 था नॉर्मल वाला मॉडल, उसके ऊपर कोई बाइक नहीं था, लेकिन उसके बाद आया R3 मार्केट में, जब 150cc था फेजर में, तो उसको लेके मैंने बहुत जगह ट्रिप किया था, टूरिंग किया था। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप FZX लेके टूरिंग नहीं कर सकते, ये वाला बाइक अगर पसंद हो या फिर स्कूटर भी पसंद हो आप आ सकते हो रविंदर यामा में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो कौन सा वाला चाहिए, आप बुक कर सकते हो या फिर शोरूम विजिट करके भी आप आ सकते हो, शोरूम का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम जो जो हमने बताया था FZX में फैसिलिटी, एक बात बताना रह गया था, यानी कि यामा FZX में ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें आपको ये लीफलेट देखने के बाद हमें पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस कॉल इनकमिंग ऑल कॉल अलर्ट है, SMS और ईमेल अलर्ट है, ऐप कनेक्टिविटी और फोन बैटरी लेवल भी आप चेक कर सकते हो अपने मीटर पे, बाइक के मीटर पर। बाकी जो ऐप है उसमें आपका जो RPM आ रहा था ना बाइक के मीटर पर, उसी RPM को आप तरह दूसरे थीम में भी आप अपने मोबाइल में देख सकते हो, मोबाइल होल्डर में लगा दो, वहाँ पे भी आपका RPM शो करता रहेगा बाइक का। ओके सो गाइस, तो शोरूम का काम हो चुका है तमाम, यानी कि ख़त्म कर दिया है वीडियो। अरे अरे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
बाकी अभी हमारा बाइक किधर गया भाई? अच्छा अच्छा इधर है, इधर है। बाकी हमारा R3 में हम चढ़ाई करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो ना, जितने लोग वीडियो देखते हो, लगभग 56% लोग सब्सक्राइब किए हो, बाकी के लोग नहीं किए हो तो फट से सब्सक्राइब कर दो। और जो घंटा आइकॉन है ना, घंटा आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको हमारा वीडियो का सूचना मिलता रहे टाइम टाइम पर, है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। या तो वीडियो देखो तो लाइक शेयर करना जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ माय ब्रदर, एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाकी हमारे इरफान भाई काफ़ी अंडे माफिक लग रहे हैं गोप्रो में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के लिए बाय बाय। चलो।